कहते हैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान आपको शिक्षा ही दिला सकती है, और ऐसे हजारों लाखों उदाहरण जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। आज हम दिल्ली के एक इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे हमारे साथ है अमन बिहारी। इसका परिचय कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमन ने JEE एडवांस परीक्षा को क्लियर किया है, और कहा जाए तो पूरी स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज शिक्षा तक अमन थ्रू आउट टॉपर रहा है, और आज उसने ये मकाम हासिल किया है। दिल्ली सरकार के स्कूल से पढ़कर उसके बाद JEE एडवांस में जब इसने भाग लिया, उसमें भी तमाम तरीके से दिल्ली सरकार ने कोचिंग की बात करें या बुक्स उपलब्धता की बात करें तो अमन को वो दिलाई गई। और सबसे बड़ी बात कि अमन एक बेहद मध्यम परिवार से है। अमन के पिताजी सिक्योरिटी गार्ड हैं। अमन देखिए, आप एक जो ये कमरा है यही अमन की एक छोटी सी दुनिया थी जिसमें इसने अपना जीवन जिया है, और किस तरीके से आज अमन JEE एडवांस परीक्षा को बहुत ही अच्छे रैंक से क्लियर किया है। इस वक्त अमन मेरे साथ है। अमन, इस जब ये इसका पता चला आपने कि आपने परीक्षा को क्लियर किया है इतने अच्छे रैंक से, क्या रैंक रही, कैसा था वो पल? सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई थी कि इतनी मेहनत के बाद आखिर कुछ हासिल हुआ है, और मेरी रैंक जो थी JEE मेंस में जनरल 5739 थी और एडवांस में 11266 थी। अच्छा, तो अमन आपकी अगर बात करें, मध्यम परिवार से हैं, पिताजी सिक्योरिटी गार्ड हैं, यानी कि परिवार की कमाई जो है वो पूरी बहुत मुश्किल से ही पड़ती होगी, शुरुआत से आपने कैसे ठाना कि मुझे शिक्षा करनी है और इस मुकाम तक पहुँचना है? जैसे शुरू से ही मेरे नंबर तो मार्क्स तो आते ही थे, और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी काफ़ी था ही, और मैथ्स और साइंस मुझे काफ़ी पसंद थी। तो जब 9th और 10th में भी जब अच्छे मार्क्स रहे तो जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप आए। जैसे 10th क्लास में मेरी क्लास में एक जो सीनियर थे वो भैया आए थे, वो उन्होंने IIT उनका भी एम यही था, और उन्होंने एक स्कॉलरशिप बैंक की थी जिसमें कि उन्हें फ्री कोचिंग मिलती थी। तो हमारी क्लास टीचर ने उन्हें बुलाया था और सब कुछ बताने को कहा था कि क्या क्या है उसका। तो उन्होंने इस वक्त IIT और JEE के बारे में बताया था, और तभी से मुझे बहुत इंटरेस्ट था इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। सबसे पहले तो क्योंकि ये मैथ्स इसमें काफ़ी इंटेंसिव है, मैथ्स फिजिक्स जो कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं, इसलिए भी ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उतना लगा नहीं कि हाँ बहुत किया है मैंने, क्योंकि इसमें मुझे इंटरेस्ट था। किस तरीके से जब आप दिल्ली सरकार के स्कूल में सबसे पहले आप गए, लेकिन उसके बाद आपके टीचर्स ने आपकी प्रतिभा को देखा और फिर किस तरीके से उन्होंने आपको बूस्ट किया? सबसे पहले तो 6th क्लास में मैं नॉर्मल सरकारी स्कूल सर्वोदय में था, फिर 8th में जब गया तो फिर हमारे टीचर ने बताया था कि RPV सेक्टर 19 नया मतलब न्यूली बिल्ट है तो उसमें आप भर सकते हो, तो उसमें मैंने भरा था। फिर उसमें मेरा और RPV का शुरू से ही नाम था तो उसमें तो पहले से ही जाने का सपना था, तो 8th में मैंने भरा था और फिर क्रैक किया था उसका एंट्रेंस, तो बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद जो 8th 9th 10th में क्लास टीचर जो हमारी थी IV शर्मा मैम, उनका तो बहुत सपोर्ट मिला था, मतलब जैसे भी हो बुक्स वगैरह जो भी वो अपनी तरफ से भी अरेंज करके देती थी। JEE के लिए जो तमाम मटेरियल था वो वहीं से मिला था आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 11th 12th में? हाँ, लाइब्रेरीज में जो बुक्स होती थी, और जो हमारी फिजिक्स की मैम थी उनके पास भी जैसे लास्ट ईयर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स होती थी वो अवेलेबल करवा देती थी। चलिए अमन, आप मुझे अपना वो दिखाइए, स्टडी सेंटर देखिए किस तरीके से, और यहाँ पे जो तमाम आप मेडल्स देख रहे हैं, शील्ड्स देख रहे हैं, ये सारे अमन को बचपन से अभी तक मिले हैं। यानी कि कहा जाता है कि जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में आज अमन जहाँ पहुँचा है तो पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, तो वो दिख रहे हैं। अमन, मुझे अपना स्टडी जो आपका है सेंटर वो दिखाइए, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोचिंग नहीं ली आपने, सिर्फ और सिर्फ किताबें ही आपकी दोस्त बनी रही। हम सबसे पहले तो मैं वहाँ पढ़ाई करता था, वहाँ जो मैंने नोट्स वगैरह लगाए हुए थे। अच्छा। और फिर उसके बाद जब ठंड ये भी सारे नोट्स क्या याद रखने के लिए कोई फॉर्मूलाज हैं? हाँ, ये सब फिजिक्स के फॉर्मूलाज हैं और अच्छा। केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल है। ओके। जैसे याद करने में जैसे सुबह आप उठो, यही मैं सोता भी था, तो उठने के बाद भी जैसे देखने से एक बार 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 देखते रहते हैं तो याद हो जाता है। अच्छा। तो ये सब जो वो है जो वो फॉर्मूले हैं जिनमें मैं बार बार गलती करता था तो मैं उनको नोट कर लेता था ताकि मैं गलती ना कर सकूँ। ये और उसके बाद यहाँ पे मैं देख रही हूँ कैलेंडर में कुछ डेट्स क्रॉस की हुई, इसका क्या मतलब है? ये मैम, जब लास्ट मंथ आया था एग्जाम का तो मतलब एक तरह से वैसे तो कहते हैं कि इससे प्रेशर बिल्ड होता है डेज, लेकिन मेरे को इससे काफ़ी हेल्प होती थी कि कैसे डे कम हो रहे हैं और मेरे पास क्या क्या बच रहा है करने को, तो उसके हिसाब से जो भी डेली टारगेट्स होते थे वो हम सेट कर पा रहा था।
मॉनिटर भी रहे हो, मुझे दिख रहा है मॉनिटर 10th ए। टेंथ तक था मॉनिटर, उसके बाद फिर पढ़ाई कहीं ज्यादा किया, 11th 12th में 10 से 12 घंटे अमन जो है वो पढ़ता था। मूवी देखना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, बाहर खाना खाने जाना कोई शौक नहीं था। मैम पहले तो मतलब 10th से पहले तो थोड़ा बहुत मन मन करता था मूवी वगैरह देखने का, लेकिन तब टीवी पे ही देखता था। उसके बाद से जैसे 10th के बाद उतना मन नहीं करता था, मन तभी करता था जैसे अब कोई मेंस का एग्जाम है, तो उसके जैसे मैं एग्जाम देख के आया उसके बाद तो मन करता था। उसके बाद ही जैसे आज एग्जाम से पहले मैं उससे तो कोई मतलब पहले तो मैं देख ही नहीं सकता था, उसके बाद फिर मन करता था। तो मैं जेई मेंस जैसे एग्जाम हुआ था तो फिर उसके रिजल्ट के मैंने 1-2 दिन बाद ब्रेक लिया था, तो उसमें थोड़ा मूवी वगैरह देखा था। खाने पीने का तो बाहर का कोई शौक नहीं है। तो अब जो है वो आपकी जो जेई एडवांस में जो रैंक है उसके मुताबिक आगे क्या स्कोप है? मैम जो मेरी रैंक है उसमें तो अगर मैं IIT लेना चाहूँ तो मुझे लोअर ब्रांचेस में IIT जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट से वो मिल जाएंगे, और जो न्यू IITs है उनमें CSV मिल जाएगा। बट जैसा कि मैंने मतलब ओल्ड जो सीनियर्स उनसे बात किया और उनके अकॉर्डिंग मतलब मुझे NITs में ओल्ड NITs में भी CS मिल जाएगी, और जो दिल्ली के NSUT और DTU हैं उनमें भी CS मिल जाएगा। तो अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे NITs सेलेक्ट करना चाहिए या NSUT DTU। बिल्कुल, तो देखिए जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन हैं, बहुत हैंडसम सैलरीज हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो बहुत कोचिंग ले रहे हैं, ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक भी ले सकते हैं। शिक्षा के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर वो तलब होनी चाहिए, जो तलब आज अमन बिहारी में दिख रही है, और जाहिर तौर पर दुनिया में शिक्षा ही आपको सर्वश्रेष्ठ बना सकती है, और अमन उसका जीता जागता एक उदाहरण है। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।